स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हमें एक और ग्रुप डाटा दिया है जिसका हमें मीन निकालना है, दैट्स इट। और कौन सा मेथड है ये आप डिसाइड करोगे, कैसे डिसाइड करोगे वो मैं आपको जैसे जैसे सॉल्व करूंगा आपको बताऊंगा कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी। तो 25 घर है, उनका रोज का खर्चा कितना है खाने पे, ठीक है। तो ये उसका डाटा है कि चार घर ऐसे हैं जो 100 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच में कुछ खर्च करते हैं, 12 घर ऐसे हैं जो 200 रुपए से लेकर 250 रुपए के बीच में कुछ खर्च करते हैं। तो ये डाटा है हमारे पास। अब हमें ये पूछा गया है कि आप ये फाइंड आउट करो कि मीन डेली एक्सपेंडिचर कितना है ऑन एन एवरेज हर एक घर का। तो वही काम, सबसे पहले हम इस डाटा को क्या करेंगे, कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे। और ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। अब मैं बार बार नहीं बता रहा ये फ्रीक्वेंसी क्यों है। अब इन सब का सम कितना आना चाहिए, 25, क्योंकि टोटल 25 हाउसेज हैं। तो आप चेक करके देख लेना, ये 25 होना ही चाहिए। आप कैलकुलेट जरूर करना क्योंकि कई बार कॉलम की फॉर्म में लिखते हुए गलती हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमें पता ही है कि अब हम क्लास मार्क्स निकालेंगे जिसको हम एक्स आई बोलते हैं। तो इन दोनों का हाफ 100 + 150 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 125, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 175, फिर यहाँ आ जाएगा 225, फिर आ जाएगा 275 और यहाँ से आ गया 325। अब ये डाटा 3 डिजिट्स में है तो बेहतर है कि एक कॉलम और बना लो और उसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डी आई, ठीक है। तो डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो मुझे एज्यूम्ड मीन चाहिए, टोटल 5 एंट्रीज हैं, तो ये तीसरी एंट्री जो है बिल्कुल बीच वाली एंट्री है, तो इसको मैं एज्यूम्ड मीन मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ assumed mean is equal to 225, तो यानी कि ये हो जाएगा di क्या आ जाएगा, एक्स आई माइनस 225। तो ठीक है, इन सब में से 225 माइनस करते हैं, इसमें से माइनस किया तो माइनस 100 आया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 50 आया, यहां से आ गया 0, यहां से आ गया 50 और यहां से आ गया 100, ठीक है। अब देखो डाटा तो ये भी बड़ा सिंपल सा है, अब अगर आप चाहो तो सीधा ही 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 5 से इसको, एंड सो ऑन, और आपका बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक लेवल और आगे जाना चाहते हो आप जा सकते हो, क्योंकि ये सारे जो है 50 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं नहीं जा रहा क्योंकि ये बहुत सिंपल डाटा है, बहुत सिंपल डाटा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 3 डिजिट्स हों तो आपको डी आई या यू आई निकालना ही है। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करूं, से मैं एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करूं, तो कितने सिंपल कैलकुलेशंस हैं। ये हो गया -400, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूं, इसको फिर से मैं क्रॉस कर देता हूं, इसको क्रॉस कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं करना, क्रॉस नहीं करना, सिर्फ इसको हाइड करना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया -400, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -250, ये हो गया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 100, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 200। तो क्या ये कैलकुलेशंस डिफिकल्ट है, नहीं डिफिकल्ट, तो हम इसको यूज करेंगे। तो ठीक है, ये 300 माइनस 100 तो ये हो गया -350। तो एफ आई डी आई का जो सम वो इतना आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं डी बार निकालूंगा, विच इज समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो पहले मैं डी बार निकालूंगा और वहां से फिर मैं डी बार से वापस जाऊंगा और मैं एक्स बार निकालूंगा। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, इन सब का सम -350 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसीज का सम 25। तो ये कितना हो गया मेरे पास, माइनस ये एक पे जाएगा पहले और यहां बचेगा 1004, तो -14 आ गया। अब मुझे निकालना एक्स बार। अब जब x से d पे गए थे तो हमने 225 सब्ट्रैक्ट किया था, तो जब वापस जाएंगे d से x की तरफ तो 225 वापस ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा d बार प्लस 225 विच इज इक्वल टू -14 प्लस 225 विच इज इक्वल टू 211, एंड दैट इज योर आंसर। के इतने रुपीज ऑन एन एवरेज हर एक घर डेली स्पेंड करता है अपनी फूड आइटम्स के ऊपर, राइट। तो देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि 2 डिजिट है या 3 डिजिट है तो मुझे यूआई तक जाना ही पड़ेगा। अगर कैलकुलेशंस बहुत सिंप्लीफाइड है तो आप सीधा भी उसको सॉल्व कर सकते हो, अगले स्टेप तक जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है आप आगे जाना चाहते हो
तो इसको अगर 50 50 50 50 50 से डिवाइड कर दें तो आगे कितना आ जाएगा, माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, और सिंप्लीफाइड हो जाएगा। आप वैसा भी कर सकते हो, लेकिन फिर वापस आते वक्त यू बार निकालो, वहां से डी बार निकालो और वहां से फिर एक्स बार निकालो, फिर आपको ये करना पड़ेगा। तो आप खुद करके देखना, इस तरीके से आंसर सेम ही आना चाहिए, राइट। सो नाउ इफ यू थिंक दैट दिस इज अ गुड ट्यूटोरियल एंड शुड बी शेयर्ड विद योर फ्रेंड्स, देन प्लीज डू इट, बट ओनली इफ यू लाइक। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।